वहाँ से अपना जो कार्यक्रम होता रहा उसमें मैंने आपसे बताया था कि कुंडलिनी और उसके साथ और भी क्या क्या हमारे अंदर स्थित है। जो भी मैं बात कह रही हूँ ये आप लोगों को मान लेनी नहीं चाहिए, लेकिन इसका अधिकार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्ज्ञान आपको नहीं है अभी। और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे है तो उसे खुले दिमाग से देखना चाहिए, सोचना चाहिए और पाना चाहिए। दिमाग जरूर अपना खुला रखें। पहली तो बात यह है कि सहयोग कोई दुकान नहीं है, इसे किसी प्रकार का भी वैसा काम नहीं होता है जैसे और आश्रमों में या और गुरुओं के यहाँ पर होता है कि आप इतना रुपया दीजिए और मेंबर हो जाए। यहाँ पर आप ही को खोजना पड़ता है, आप ही को पाना पड़ता है और आप ही को आत्मसात करना पड़ता है। जैसे कि गंगा जी बह रही है, आप गंगा जी में जाएं, उसका आदर करें, उसमें नहाएं धोएं और घर चले आए। अगर आपको गंगा जी को धन्यवाद देना तो दें, ना दें तो गंगा जी कोई आपसे नाराज नहीं है। एक बार इस बात को अगर मनुष्य समझ ले कि यहाँ कुछ भी देना नहीं है, सिर्फ लेना ही है, तो सहयोग के और देखने की जो दृष्टि है उसमें एक तरह की गहनता आ जाए। जब लेना होता है जैसे कि प्याला है, उसमें तभी आप ढाल सकते हैं जब उसमें गहराई हो, और जब लेने की वृत्ति होती है तब मनुष्य से पा सकते। दूसरी बात यह है कि आप लोग अनेक जगह जा चुके हैं क्योंकि आप परमात्मा को खोज रहे हैं, आप साधक हैं। साधक होना भी एक श्रेणी है, एक कैटेगरी है। सब लोग साधक नहीं होते। हमारे घर में हम तो किसी से नहीं कहते कि आप सहयोग करो या सहयोग में आओ, किसी से भी नहीं, सिवाय हमारे और हमारे नाती पोतियों के कोई भी सहयोगी नहीं। लेकिन जो नहीं है वो नहीं है, जो है सो है। अगर कोई खोज रहा है उसके लिए सहयोग है, जो साधक है उसके लिए सहयोग है, हर एक आदमी के लिए नहीं। आप तो जानते हैं कि दिल्ली में सालों से हम रहे हैं और हमारे पति भी यहाँ रह चुके हैं, लेकिन हमने कभी तक किसी भी हमारे पति के दोस्त या उनके पहचान वाले या रिश्तेदार से उससे बातचीत भी नहीं करी। और बहुत लोग हैरान हैं कि हमको मालूम नहीं था कि यही माता जी निर्मला देवी जिनको हम दूसरी तरफ से जानते। सहयोग जो चीज है इसे आपको लाभ उठाना है। पहली बात, इस बात को अगर आप पहले समझ लें कि आपको इससे कुछ पाना है, परमात्मा को भी आप कुछ नहीं दे सकते और सहयोग को भी आप कुछ नहीं दे सकते, उनसे लेना ही मात्र। लेकिन माँ के दृष्टि से मुझे ये कहना है कि अगर लेना है तो उसके प्रति नम्रता रखें, अपने में गहनता रखें और इसे स्वीकार करें। माँ जो होती है वो समझा के बताती है, ये नहीं कि आपके हर समय परीक्षा लूँ और आपको मैं परेशान करूं और फिर देखूं कि आप इस योग्य हैं या नहीं या पात्र हैं या नहीं। दूसरी ये भी बात है कि माँ बच्चों को जानती अच्छे से है, जानती है कि इनमें क्या दोष है, क्या बात है, किस वजह से रुक गए, उसको उसकी मालूमात गहरी होती है बहुत, और वो समझती है कि किस तरह से बच्चे को भी ठीक किया जाए। कहीं डांटना पड़ता है तो डांट भी देगी, जहाँ दुलार से समझाना पड़ता है समझा भी देती है। और ये सिर्फ माँ का ही काम है और कोई कर भी नहीं सकता, मुश्किल काम है और किसी के लिए करना, क्योंकि ये सारा काम प्यार का है। आज मनुष्य इतने विप्लव में और इतनी आफत में है, इतने दुख में और आतंक में बैठा हुआ है, इस कदर उस पर परेशानियाँ छाई हुई है, इस वक्त और भी किसी तरह की परीक्षा इनके दी जाए ऐसा समा नहीं। और ये माँ ही समझ सकती कि बच्चे कितनी आफतें उठा रहे हैं, तो कितनी परेशानियां हैं और किस तरह से उनका भार उठाना चाहिए और उनके अंदर किस तरह से प्रभु का अस्तित्व जागृत करना चाहिए, ये माँ ही कर सकती।
कुंडलिनी के बारे में जो कहा गया है कि कुंडलिनी भी आपके अंदर स्थित आपकी माँ है, जो हजारों वर्षों से आपके जन्म होते ही आप में प्रवेश करती है और वो आपका साथ छोड़ती नहीं जब तक आप पार न हो जाए। वो प्रतीक रूप आपकी माँ ही है, यानी यह कि समझ लीजिए प्रतीक रूप आपकी महामाँ की वो एक छाया है, छवि। एक प्रश्न ये जो किया था किसी ने कि माँ आपने कहा था कि पूरी रचना हमारी करने के बाद, पिंड की पूरी रचना करने के बाद भी वो ऐसी ही की वैसी बनी रहती है, इसको किसी तरह से समझाया जाए। वो आज मैं बात आपको समझाऊंगी किस तरह से होता है। कुंडलिनी शक्ति हमारी जो महाकाली की इच्छा शक्ति है उसका शुद्ध स्वरूप है, पूर्ण शुद्ध स्वरूप है। मतलब ये कि एक ही इच्छा मनुष्य को होती है संसार में, जब वो आता है उसका शुद्ध स्वरूप है कि परमात्मा से मिलन हो और दूसरी उसे इच्छा नहीं, ये उसका शुद्ध स्वरूप है। और जब वो इच्छा कुंडलिनी स्वरूप होकर के बैठती है तो वो मनुष्य का पूरा पिंड बनाती, पर अभी इच्छा ही है इसलिए पूरा बनाने पर भी वो इच्छा ही बनी रहती है, क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो जागृत नहीं। इसलिए इच्छा पूरी की पूरी वैसी ही बनी रहती है और वो अपनी इच्छा छाया की तरह आपको संभालते रहती है कि देखो इस रास्ते पे गए हो तो यहाँ वो इच्छा पूरी नहीं होगी। जो संपूर्ण शुद्ध आपके अंदर में इच्छा है वो पूरी नहीं होगी, उस इच्छा को पूरी किए बगैर आप कभी सुख भी नहीं पा सकते। सारा आपका पिंड जो है वो इसीलिए बनाया गया कि वो इच्छा पूर्ण हो जिससे आप परमात्मा को पाए। पर महाकाली शक्ति को जब आप इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपकी महाकाली की शक्ति में जो उसका कार्य है वो बाहर की ओर होने लग जाता है, माने आपकी इच्छाएं जो है वो बाहर की ओर जाने लग जाती। आप ये सोचते हैं कि मैं ये चीज पालू वो चीज पालू, जब आपका चित्त बाहर जाता है उसका भी एक कारण है जिसके कारण आपका चित्त बाहर जाता है, जो मैंने कहा था कि वो जरा विस्तार पूर्वक बताना होगा। जब क्योंकि आपका चित्त बाहर की ओर जाने लगता है और जैसे जैसे आप बड़े होने लग जाते हैं और ही वो बाहर की ओर जाने लग जाता है, इसकी वजह से जो शुद्ध इच्छा आपके अंदर है, इसको कि शुद्ध विद्या कहते हैं, और शुद्ध आपके अंदर जो अंतरतम इच्छा है वो एक ही है कि परमात्मा से योग घटित हो, वो कार्यान्वित नहीं हो पाती। सिर्फ आप यही सोचते रहते हैं कि हम इसे पाएं उसे पाएं उसे पाएं, इसलिए वो जैसी की तैसी बनी रहती, इसीलिए से रेसिडुअल एनर्जी कहते हैं। अब ये जो आपकी शुद्ध इच्छा है यही आपको खींच करके इधर से उधर ले जाती है और आप दर दर पे ठोकरे खाते हैं, कर्मकांड करते हैं, इधर ढूंढते हैं, किताबें पढ़ते हैं और आप अपने अंदर धारणा भी बना लेते हैं कि परमेश्वर का पाना ये होता है, परमेश्वर का पाना ये होता है। जब तक आप उसे पाते नहीं, आप इच्छा को सोचते हैं कि हमें इस चीज से पूरा हो जाएगा, किसी चीज से पूरा हो जाएगा, तो नहीं होता। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि महाकाली शक्ति जो है जब हमारी बहुत बार और जगह दौड़ने लग जाती है, तब कभी कभी कोई गुरु लोग भी या ऐसे लोग की जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं वो भी इस मामले में ये बता देते हैं ये इच्छा किस तरह से पूर्ण हो जाती है। लेकिन बहुत से अगुरु भी संसार में, बहुत से दुष्ट लोगों ने भी गुरु का रूप धारण कर दिया और इसी वजह से वो आपकी इस इच्छा को मंत्रमुक्त कर देते। माने कुंडलिनी को तो कोई छू नहीं सकता, किंतु आपकी जो महाकाली की शक्ति है उसको मंत्रमुक्त कर देते। वो मंत्रमुग्ध होने के कारण आपकी जो वास्तविक इच्छा परमात्मा से योग पाने की है वो छूट करके आप सोचते हैं कि ये जो गुरु है इसने हमको मंत्रमुग्ध किया है, यही उस इच्छा को पूरा कर देगा, इसको पूर्ण कर देगा, और इसलिए आप उसकी से चिपक जाते हैं। और जब आप मंत्रमुग्ध की तरह उसे चिपक जाते हैं तब आपके ध्यान ही में नहीं आता कि आपकी वास्तविक इच्छा पूरी नहीं हुई है और आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जब तक आप बहुत ठोकरे नहीं खाते हैं, जब तक आपका सारा पैसा नहीं लूट जाता, जब तक आप पूरी तरह से बर्बाद नहीं जाते, आपके ध्यान में बात नहीं। बहुत बार लोगों ने मुझे कहा कि माँ आप किसी भी गुरु के बारे में कुछ भी मत कहिए। मैंने कहा तो ऐसा ही हुआ कि कोई मेरे बच्चों की गर्दनें काटे और मैं ना कहूं कि ये गर्दन काट रहे, ये कहे बगैर कैसे होगा? आप ही बताइए, आप माँ बाप भी हैं,
आप बताइए, अगर आप जानते हैं कि कोई आदमी आपकी ये इच्छा हमेशा के लिए मंत्र मुक्त कर देगा और आपको विचलित कर देगा, आपकी कुंडलिनी को एकदम से ही वो जकड़ देगा या उसको ऐसा कर देगा कि वो फ्रीज हो जाए एकदम, क्या कोई माँ ऐसी होगी जो नहीं बताएगी? इस मामले में बहुत ने मुझे डराया भी, धमकाया भी, कहा कि आपको कोई गोली झाड़ देगा। मैंने कहा झाड़ने वाला अभी पैदा नहीं हुआ, मुझे देखने का, ऐसा आसान नहीं मेरे पर गोली झाड़ना। वो तो ईसा मसीह ने एक नाटक खेला था इसलिए क्रूस पे चढ़ गए, नहीं तो ऐसा वो सबको मार डालते कि सबको पता चल जाता, लेकिन वो एक नाटक खेलने का था इसलिए उस वक्त ये काम हुआ। अब हमको ये सोचना चाहिए कि जब हमारी ये शुद्ध इच्छा है कि परमात्मा से योग होना है, तो कुंडलिनी जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत बार लोगों ने कहा है, हालांकि हर लेक्चर में मैं कहती कि ये जीवंत क्रिया है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। इसका मतलब नहीं कि मैं नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि सहयोगी नहीं कर सकते, अधिकारी होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है जो कि ऑपरेशन करना जानता है वही ऑपरेशन कर सकता है, पर दूसरा कोई आदमी अगर इस तरह का काम करे तो लोग कहेंगे खूनी, और इतना ही नहीं वो खूनी कर डालेगा क्योंकि उसको मालूम आती नहीं है, जिसको इसकी जानकारी नहीं है, जिस बारे में समझता नहीं है, उसको कुंडलिनी में पढ़ना नहीं। जब आप सहयोग में पार हो जाते हैं उसके बाद इसके नियम शुरू हो जाते हैं जो परमात्मा के दरबार के नियम हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में आए तो आपको हिंदुस्तान सरकार के नियम पालने पड़ते हैं, उसी प्रकार जब आप परमात्मा के साम्राज्य में आए तो उसके नियम आपको पालने पड़ते हैं, और अगर आप वो नियम न पालें तो आपके वाइब्रेशन हाथ से छूट जाए, बार बार वो वाइब्रेशन छूट जाएंगे, बार बार आप च्युत होते रहेंगे, जब तक आप पूरी तरह से इसको अपने ऊपर पूरा प्रभुत्व ना आ जाए, जब तक आपने अपनी आत्मा को पूरी तरह से नहीं पाया, आप पाइएगा वाइब्रेशंस आपके छूटते जाए, क्योंकि ये वाइब्रेशंस आपकी आत्मा से आ रहे हैं। आत्मा जो है उसको सच्चित आनंद कहते हैं, माने वो सत्य है, सत्य का मतलब यह है कि वही एक सत्य है, बाकी सब असत्य, बाकी सब ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो भी उन्हीं की शक्ति है, और जो कुछ उनके अलावा है, आत्मा ब्रह्म इसके अलावा जो कुछ भी है वो असत्य। असत्य माने ये कि एक आदमी है, समझ लीजिए, सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, आपने क्या काम किया उनसे पूछिए, तो बताएगा कि साहब मैंने मकान बनाया, घर बनाया और बच्चों की शादियां कर दी, या कोई बड़ा भारी उसको तमगा मिल गया, मैंने एरोप्लेन बना दिया और कोई चीज बना दी, मैं बड़ा भारी प्राइम मिनिस्टर हो गया या कुछ और हो गया। ये सब भी एक मिथ्या चरण है, मिथ्या बात है, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये कोई आदमी है आज बड़े बड़े अफसर हो जाते हैं, हम अफसरी काफी देख चुके हैं, और जैसे ही अफसरी खत्म हो गई तो कोई पूछता भी नहीं, बड़ा आश्चर्य, अगर आपका ट्रांसफर ही हो गया तो कोई नहीं पूछता। आपने मकान बना लिया, आपने देखे कितने बड़े बड़े खंडहर पड़े हुए हैं, और ना कोई जानता है कि ये है क्या बला, कहां से आए, क्या हुआ, बड़े बड़े ऐसी चीजें खत्म हो चुकी। एक बार मैं गई थी आपके आगरा के फोर्ट में, तो रात बहुत बीत गई वहां, तो स्पेशल हमें दिखाने का इंतजाम था, तो बहुत रात बीत गई, और वो कहने लगे सब भीड़ जाएगी तब आपको ठीक से दिखाएंगे, बस कुछ चीजें दिखाई उखाई। जब लोग लौट रहे थे तो मैंने देखा कि बिल्कुल सब दूर अंधेरा, सब इतनी देर उस वक्त में चहल पहल रही होगी, न रानियों ने क्या क्या काम किए होंगे और परेशान किया होगा अपने नौकरों को कि मेरे ये कपड़े नहीं ठीक है, राजाओं ने परेशान किया होगा, बड़े बड़े वहां पर दावते हुए होंगे, उसके लिए झगड़े हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या किया होगा इन लोगों ने उस जमाने में, सब एकदम गुम, कुछ नहीं सुनाई देगा, सब वो आवाज खत्म हो चुके थे, वहां कुछ भी नहीं था, एकदम अंधेरा चारों तरफ छाया। और जब हम बाहर आ रहे थे, बिल्कुल बाहर आए, तो रोशनी थी नहीं खास, एक साहब के पास जरा सी टॉर्च थी, उससे सभी लोग देख के बाहर आ रहे थे, तो बाहर आते वक्त देखा कि एक चिराग की रोशनी जल रही थी,
तो उस चिराग की रोशनी में हम बाहर आए तो पूछा कि भाई ये चिराग यहाँ किसने जला के रखा। मैंने पूछा कि किसने चिराग यहाँ जला, कहले कि यहाँ पर एक मदार है, एक पीर की मदार है और ये पीर बहुत पुराने, कितने पुराने, कहले जब ये किला भी नहीं बना था उससे पुराने। अच्छा, तब से इस पे दिया जलता रहता है, सब लोग यहाँ माथा टेक के जाते, ये सनातन, पीर हो जाना सनातन, ये शाश्वत है, बाकी सब असत्य, सब गुम हो गया, खत्म हो गया, शून्य हो गया, लीन हो गया। आज कोई आकाश में उछल रहा है, कल देखा तो वो गर्त में पड़ा हुआ है। आप रोजमर्रा ही देखते हैं, अपने ही आंखों के सामने आपने देखा है कितने बार ऐसे होता हो, इतना 50 साल में इस भारतवर्ष में हुआ है, कभी नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा उथल पुथल इसी 50 साल में हुई है। इससे आप समझ सकते हैं ये सनातन नहीं, ये कोई सी भी चीज सनातन नहीं जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। आज बड़े भारी आदमी बन के घूम रहे हैं, आपका ठिकाना नहीं, कल आप रास्ते के भिखारी बने घूम रहे। जो चीज सनातन नहीं उसके पीछे हम क्यों दौड़े, जो चीज सनातन है उसे पाना चाहिए। जब आदमी रियलाइजेशन पा लेता है तो वो खोता नहीं, जब उसका जन्म होता है तो रियलाइजेशन के साथ वो दूसरी चीज मोक्ष लेकर के वो आता, वो करुणा में फिर से जन्म लेता है, सिर्फ करुणा में जन्म लेता है, लेकिन वो मोक्ष अपने साथ लेकर के आता। उस सनातन को पाना चाहिए, और जब हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि हमें सनातन को पाना चाहिए, तब हमारा जो व्यवहार है सहयोग के प्रति बदल जाता है। जो लोग पार हो गए हैं उनको पता होना चाहिए कि हमें स्थित होना पड़ता है। मैंने कल बताया था कि पार होने के बाद क्या करना चाहिए, स्थित होने के लिए भी उसके नियम है। जैसे आप जानते हैं अगर एरोप्लेन है, इसको पहले जब आप टेस्टिंग करते हैं तो उड़ाते हैं, देखते हैं इसका बैलेंस कैसा है, ये ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको बार बार ग्राउंडिंग कराते हैं, फिर उसको उड़ाते हैं, फिर देखते हैं। उसी प्रकार जब आपकी कुंडलिनी जागृत भी हो गई और आप पार भी हो गए, और माना कि आप पार हो गए और आपके अंदर से वाइब्रेशन शुरू होने लगे, तो फिर आपको जरूरी है कि आप अपने को जरा सा देखें और समझें क्या। अब सबसे जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं पार होने के बाद, पहली गलती यह है कि हम इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो उसमें कभी कभी शंकाएं भी बहुत लोगों को आती है, कहते भाई कैसे हो सकता है, माने हमको मिसमराइज कर दिया होगा तो क्या पता, हो सकता है कि गड़बड़ी हो गया होगा, हम कैसे ऐसे हो सकता है, हमने तो सुना था इसमें बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं, हम ऐसे आसानी से कैसे पार हो गए, ठंडी हवा आ गई तो क्या समझना चाहिए कि क्या बड़े भारी हम पार हो गए, ये कैसे हुआ। पहली गलती यह है कि इसके बारे में आप सोच नहीं सकते, सोचने से आपके वाइब्रेशन फट से खत्म हो गए। आपको अगर हम एक हीरा दे और कहे ये आपके पास हीरा है, आप उस पर क्या करेंगे, आप जौहरी के पास जाके पूछेंगे भैया ये हीरा है क्या, कम से कम इतना तो आप करेंगे क्या, घर में बैठे बैठे सोच सोच करके हीरे को कोई फेंक देगा। जब रोजमर्रा के जीवन में हम लोग इस तरह से अपना ध्यान लगाते हैं, तब जो हमारे परम की बात है उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने परम पाया है तो आखिर ये कैसे जानेंगे कि ये परम है या नहीं, और इसमें शंका करने कौन सी बात है। बहुत से गुरु लोग आए आपसे कहेंगे कि इसमें आप नाच सकते हैं, कूद सकते हैं, ऐसा होता है कुंडलिनी में, वैसा होता है, ये वो, ये सब चीजें आप वैसे भी कर सकते हैं, उन्हें नाचना कोई मुश्किल काम नहीं, कूदना कोई मुश्किल नहीं, मेंढक जैसे चलना भी कोई मुश्किल नहीं है, और आजकल एक गुरुजी है वो उड़ना सिखा रहे हैं, तो लोग अपने फोम में बैठ के ऐसे उड़ते हैं सोच रहे हैं कि वो हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा सोचना भी मुश्किल नहीं है। घोड़े पर भी लोग कूद करके बैठ जाते हैं, जरा कोशिश करने से आ जाता है वो भी, ये भी कोई मुश्किल नहीं, वो भी आप कोशिश करें तो कर सकते हैं, और आप एक तार पर भी चल सकते हैं सर्कस में जैसे चलते हैं, या आप कलाबाजी कर सकते हैं, ये भी आपके करते देखा है और कर सकते हैं, अगर आप कोशिश करें तो सब धंधे आप कर सकते हैं। सिर्फ आप क्या नहीं कर सकते कि ये एक त्रिकोणाकार अस्थि में अगर आप स्पंदन देखें तो मानना चाहिए कि कुंडलिनी है, स्पंदन आप नहीं कर सकते, फिर उसका उठता हुआ स्पंदन आप देख सकते हैं, सब में नहीं, क्योंकि कोई अगर बढ़िया लोग हो तो उनमें तो जरा भी नहीं पता चलता, खट से कुंडलिनी उठ जाती, पर बहुत से लोगों में इसका स्पंदन दिखाई देता है, उसका अनहत पर बजना सुनाई देता है,
तो कबीरदास जी ने बहुत कहा है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे, शून्य शिखर पर, यहां पर अनहद का बजना आप सुन सकते हैं। और जरा ठहर जाइए, बाद में देखिएगा, शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे, तो उसको आप देख सकते हैं बज रहा है क्या।